दोस्तों, ट्रेलर से तो आपको समझ में आ चुका होगा कि उस हाईली सिक्योर्ड लॉकर को बॉम्ब से उड़ाने के बाद जो प्रोफेसर के टीम के पास समय बचा होता है वो खत्म हो चुका था। यानी कि बैंक ऑफ स्पेन का सिक्योरिटी लॉक खुलने वाला था और बैंक के बाहर खड़ी स्पेशल फोर्सेस उन पर हमला करने वाले थे। इधर बैंक के अंदर टोक्यो सभी होस्टेजों को मास्क पहनने को कहती है और उनके हाथों में नकली बंदूकें देकर उन्हें बैंक के बालकनी में जाने को कहती है। वेल, इसका मतलब ये कि प्रोफेसर उसी टेक्निक को यूज करने वाला था जो उसने रॉयल मिंट के हाइस्ट के दौरान यूज किया था। यानी कि उन होस्टेजों के जरिए वे लोग पुलिस को कंफ्यूज करने वाले थे जिससे पुलिस सही चोर की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए। पर कर्नल तमायो भी पिछली हाइस्ट से बहुत कुछ सीख चुका था। वो जानता था कि प्रोफेसर के आदमी उस पर गोलियां नहीं चलाने वाला है, इसलिए वो स्पेशल फोर्सेस को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। इधर बैंक के अंदर डेनवर के हाथों में दो रेड बॉक्सेस होते हैं, उसे लेकर वो बैंक के बाहर जाता है और वहाँ स्पेशल फोर्सेस से बोलता है कि वे लोग सरेंडर करना चाहते हैं, इसलिए उन पर गोलियां नहीं चलाए जाए। दोस्तों, ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रोफेसर और उसकी टीम किसी तरह से बचने वाली नहीं है, पर दरअसल ये भी प्रोफेसर का प्लान का ही एक हिस्सा होता है, डेनवर का सरेंडर करना ताकि बाहर खड़ी पब्लिक के दिल में उनके लिए और जगह बन जाए। और दूसरी तरफ रेड बॉक्सेस को देखकर तमायो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तो आखिर उस रेड बॉक्सेस का राज क्या होता है? दरअसल उसमें गवर्नमेंट के कुछ हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन अफेयर्स और इंटेलिजेंस के कुछ गंदे राज होते हैं कि आखिर कैसे स्टेट रिजर्व का पूरा पैसा खर्च किया जाता है, देश को चलाने के सारे हथकंडे, वो सब कुछ जो कोई भी गवर्नमेंट किसी पब्लिक के सामने लाने का सोच भी नहीं सकता। और इसी कारण से कर्नल तमायो फोर्सेस को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। अब वो समझ चुका था कि जिस प्रोफेसर को वो हल्के में ले रहा था असल में वो एक मास्टरमाइंड है। और इधर प्रोफेसर को जब उसके प्लान का सक्सेस होने के बारे में पता चलता है तो वो पागलों की तरह रकेल को किस करने लगता है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर प्रोफेसर की टीम उन गोल्ड बार्स को पिघलाकर छोटे छोटे बॉल्स बना रही थी ताकि उन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और तभी बैंक का गवर्नर, जो कि 4 घंटों से बेहोश पड़ा हुआ था, वो होश में आता है और ये सब देखकर काफी हैरान होता है। इधर मोनिका उस सभी रेड बॉक्सेस के डेटा को पाकिस्तान में बैठे उनके हैकर के पास ट्रांसफर कर चुकी थी ताकि समय रहने पर वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करवा सके। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एलिसिया सियारा को। एलिसिया CNI में इंस्पेक्टर होती है और एक इनह्यूमन नेचर वाली औरत होती है। वो रियो को लेकर स्पेन पहुंचती है, वहां कर्नल तमायो से केस हैंडल करता है। अब सियारा उस केस की इंचार्ज बन चुकी है, इसलिए वह उस केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इधर बैंक ऑफ स्पेन के अंदर प्रोफेसर अपनी टीम को कॉल पर रियो के स्पेन लौटने की इन्फॉर्मेशन देता है। टोक्यो और बाकी टीम ये जानकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके प्लान का सबसे मुश्किल पार्ट सॉल्व हो चुका था, यानी कि रियो स्पेन पहुंच चुका था और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोफेसर के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार होती है। तभी CNI को भनक लगती है कि साउथ पेनिनसुला में बहुत ज्यादा सिग्नल एक्टिवेशन डिटेक्ट की गई है, यानी कि हो सकता है कि प्रोफेसर वहां से अपनी टीम को ऑपरेट कर रहा हो। इसलिए कर्नल तमायो इंस्पेक्टर एंजल को उस एरिया में भेजता है जहां से सिग्नल डिटेक्ट किया गया था और उसी समय प्रोफेसर CNI में कॉल करता है ताकि उनका समय और गवा सके। पर इस बार कॉल को एलिसिया रिसीव करती है और अपनी बात रकेल से करवाने को कहती है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता होता है कि रकेल भी अब इस हाइस्ट की मेंबर बन चुकी है। और एलिसिया रकेल से बातें करने के दौरान कुछ ऐसे बातों को रकेल के सामने रखती है जिससे कि वह कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए। जैसे कि वो बताती है कि उस प्रोफेसर के चलते तुम्हारे माँ बाप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम प्रोफेसर को उसके हवाले कर दो। दरअसल एलिसिया को इस बात बताने का मेन मोटिव उनके बीच डिवाइड एंड रूल करना था, यानी वो चाहती थी कि इस बात से प्रोफेसर और रकेल के बीच टेंशन बढ़े और वे अपने प्लान से मिसलीड हो जाए। पर प्रोफेसर रकेल को समझाने की कोशिश करता है, ये बस इनका एक चाल है क्योंकि ये लोग तुम्हें अपने टीम की सबसे कमजोर कड़ी समझते हैं, इसलिए इन्होंने अपना पासा तुम्हारे तरफ ही फेंका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे रकेल प्रोफेसर से लोयल रहती है या उसे धोखा देती है, ये आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना ताकि आपको हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।